राजधानी दिल्ली में कोरोना के प्रभाव के चलते निचली अदालत और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल का एक व्यवस्था आई और वर्चुअल की व्यवस्था लगातार जारी है। जहां तक अर्जेंट मैटर का सवाल है, किसी को बेल चाहिए, किसी को बहुत जल्दी रिलीफ चाहिए, उसके लिए फिजिकल हियरिंग हो रही है निचली अदालतों में और वो केवल एक चौथाई कोर्ट्स चल रही हैं। अब एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी की मांग है कि दिल्ली में जब आपने पार्क खोल दिए, सिनेमा घर खोल दिए, जिम खाने खोल दिए, तो अदालतों को क्यों नहीं खोला जा रहा? जो महीनों से लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनको इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव नसियार साहब हैं, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के अभी फिलहाल जो चेयरमैन हैं वो चुने गए हैं। तो संजीव जी, स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में। मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा अपोजिशन इसी बात का है कि एक चौथाई चल रही है, आप देख रहे हैं कि हालत कोरोना की ठीक नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल स्वीकार योग्य है कि सरकार ने कुछ खोला है, लेकिन एक चौथाई कोर्ट से कितना हानि हो रही है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे देश में और दिल्ली में लगभग सभी जगह पे नॉर्मल वर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी एक्टिविटीज बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है। अगर हम आप रोड पे देखें, रोड पे भी सारी ट्रैफिक और सब चीजों से ऐसा लगता है, लेकिन कोर्ट्स के अंदर अभी फंक्शनिंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं आई है। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो 25% फिजिकल हमने 1 सितंबर से हमारी रिक्वेस्ट पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और सीनियर जजेस की कमेटी ने हम लोगों की रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए फिजिकल वर्क स्टार्ट किया, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो हम लोगों की डिमांड भी और हम लोगों के बीच में एक पैनिक होता जा रहा है हमारा लॉयर कि भी आप 25% फिजिकल कोर्ट के नाम पे, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कोर्ट के अंदर फंक्शन इसलिए नहीं कर पा रही है कोर्ट, क्योंकि ना तो जजेस कोर्ट के अंदर बैठते हैं, जिस दिन वर्चुअल कोर्ट होती है वो अपने घरों से वीसी पे हियरिंग पे आते हैं, फिजिकल पे जिस दिन कोर्ट होल्ड करते हैं उस दिन एक पार्टी उसको डिले करने के वजह से रिक्वेस्ट लेके आ जाती है, नो एडवर्स ऑर्डर का डायरेक्शन है हाई कोर्ट से, उसके वजह से ग्राउंड पे अभी किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेंडेमिक की जो पोजीशन है, क्या उसको देखते हुए आपको नहीं लगता है कि वर्चुअल कोर्ट एक बेहतर साधन हो सकता है, और अगर चलता रहे तो क्या समस्या है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्चुअल के हम लोग खिलाफ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे लॉयर्स भी उस पोजीशन पे तैयार हैं, क्योंकि पिछले 8 महीने से अगर हम ध्यान से देखें तो दिल्ली क्या पूरे देश की लॉयर फ्रेटर्निटी, क्योंकि कोर्ट के अंदर आके काम करते हैं हम लोग, तो कोर्ट्स बंद होने के वजह से फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में है, दिक्कत में है। ऐसे समय पे इंडिविजुअल लॉयर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार हो, वो एक चैलेंज है। दूसरी बार अगर आप देखें सभी कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, चाहे आप साकेत कोर्ट जाएं, चाहे रोहिणी कोर्ट जाएं, इवन 30,000 के अंदर भी अगर आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो वहां आपके सिग्नल ही काम नहीं कर रहे, तो नेट काम कहां से करेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है, और वो जब तक डेवलप होगा, ये लॉन्ग प्लानिंग का तो पार्ट बन सकता है, लेकिन इमीडिएट अगर ये चाहें कि भी वीसी के थ्रू नॉर्मल फंक्शनिंग की जाए, नॉर्मल कोर्ट चलाई जाए, वो संभव नहीं है। अच्छा संजीव जी, ये बताइए कि सबसे बड़ा ऐसे अगर जो आपकी मांग है, और मान हाइपोथेटिकली हम मानते हैं कि हाई कोर्ट इसमें बहुत जल्दी इसमें कंसीडर कर ले, लिटिगेंट को कितना इससे फायदा होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी मैं बात बताऊं आपको, मैं ये जजेज और लॉयर्स की बेनिफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम और कोर्ट की बात फायदे की बात नहीं कर रहा हूं, लिटिगेंट्स की बात कर रहा हूं। लिटिगेंट को पिछले 6-8 महीने से जस्टिस ऑफ डिलीवरी सिस्टम जो है वो कोलैप्स होने की वजह से लिटिगेंट परेशान है। जो जेल में बैठा है उसकी हियरिंग नहीं हो रही है, उसकी एविडेंस नहीं हो पा रही है, तो उसका केस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो अननेसेसरी जेल में सड़ रहा है, जेलों की हालत बहुत खराब है। उसके अलावा अगर मान लो 2 पार्टीज का डिस्प्यूट, और आपको बताएं, आपको सरप्राइजिंगली आज सिस्टम से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, उनको ये लग रहा है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कुछ फंक्शन होना, कोई कोर्ट में हियरिंग होनी नहीं है, सिर्फ डेट मिलनी है। जिसको हियरिंग जल्दी चाहिए वो भी विश्वास कम कर रहा है, और जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं उनका तो मजा हो ही गया। तो ऐसे में कोर्ट में हमने आज ही हमने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को, और एक मीटिंग भी उनसे अपील करी है, और उसमें हमने चिंता जाहिर की है
कि सभी कोर्ट्स के अंदर लोकल लेवल पे विरोध शुरू हो चुका है, छोटे छोटे प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं इंडिविजुअल लेवल पे, कुछ मेंबर अभी और भी प्लान कर रहे हैं विरोध करने का। लेकिन आज हम बार एसोसिएशन लेवल पे या कोऑर्डिनेशन कमेटी लेवल पे पूरी दिल्ली की कॉल भी आ सकती है, क्योंकि तो प्रदर्शन किस बात की नाराजगी है? नाराजगी ये है कि हम लोगों को प्रॉपर हियरिंग नहीं मिल रही है, और हमारी डिमांड ये है कि कोर्ट्स के अंदर जजेस सबसे पहले तो कोर्ट होल्ड करने के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आए, चाहे वो वीसी से सुने या वो फिजिकल सुने, और एक हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें अगर एक पार्टी वीसी पे आना चाहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहती है, एक फिजिकल आना चाहती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं करते हैं? आपके पास फंड की कमी नहीं है। हमने राज्य सरकार को भी अनुरोध किया है, उनको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी लिखा है कि आप यहाँ पे नेट सिस्टम को थोड़ा सा पावरफुल नेट सिस्टम डेवलप कीजिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरी खुद मुख्यमंत्री साहब से बात हुई है, उन्होंने खुद चिंता जाहिर की है, किशन जी आप हम चाहते हैं कि भी कोर्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन करें। इवन आज हाईकोर्ट के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले वीक 10 डेज पहले एक डिसीजन लिया है कि सभी जजेस सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट होल्ड करने के लिए कोर्ट में आएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस इतनी सीनियर एज की स्टेज पे आ सकते हैं तो हमारे यहाँ तो मोस्टली जजेस यंग है, तो उन जजेस को एक तो मांग मेरी ये है कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, पूरी दिल्ली की बार एसोसिएशन और लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से, कि सभी जजेस को कोर्ट होल्ड करने के लिए कोर्ट में आना चाहिए। नंबर वन ये निर्णय करने की जरूरत है हाईकोर्ट की। सेकंड, आप एक हाइब्रिड सिस्टम डेवलप करें, फिजिकल की तरफ नॉर्मल जो वर्क है उसकी तरफ कोर्ट आगे बढ़े, जिस केस के अंदर कोई एडवर्स ऑर्डर होना है तो वो एडवर्स ऑर्डर हो। ठीक है, ये तो आपने दिल्ली की बात बताई, मुझे ये बताइए अपने अनुभव से देश भर की निचली अदालतों का क्या इस समय चल रहा है। सर, दिल्ली से अगर आप 50 किलोमीटर दूर चले जाएं, तो आप ऐसा पाएंगे कि जैसे कोई कोरोना नहीं है। तो मतलब वहां कोरोना हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नॉर्मल फंक्शनिंग है। वहां पर कोर्ट्स में, मेरे को भी एक दो ओकेजन पे कोर्ट में, हरियाणा के कुछ कोर्ट्स में जाना पड़ा, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज और नॉर्मल तरीके से कोर्ट चल रही है। बावजूद इसके ऊपर से ऑर्डर नहीं है, लेकिन वहां पे नॉर्मल लेवल पे जजेस कोर्ट के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं। तो आप उन इलाकों की तो बात नहीं कर रहे हैं जहां कोरोना के मामले कम है? नहीं, देखिए एक बात तो पक्का है कि कोरोना के जो मामले हैं वो घट बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक लेवल ऐसा आ गया था कि 1000 से भी नीचे आ गए थे, अभी दोबारा 2-3 हजार के आसपास है। अब हमको इस हकीकत को जानना चाहिए कि कोरोना अभी जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब मेरा बिल्कुल अंतिम व बहुत संक्षेप में, क्या ये जो आप मांगे कर रहे हैं ये लॉयर्स को ज्यादा सुविधाजनक देने वाली है या लिटिगेंट्स को? देखिए, जब स्मूथ सिस्टम चलेगा तो स्वाभाविक तौर पर लिटिगेंट को डायरेक्ट फायदा होने वाला है। ठीक है, ठीक, डायरेक्ट लिटिगेंट के फायदे के साथ साथ डेफिनेटली प्रोफेशनल जो हैं उनको भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। संजीव नसियार जो अभी चेयरमैन चुने गए कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के, साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट इस पर पूरी तरह से ध्यान देता है तो केवल वकीलों के लिए नहीं, लिटिगेंट्स के लिए बड़ा ज्यादा, सब जो रह रहे हैं जिनके मुकदमे कोई नहीं सुनने वाला है और वो जेलों के अंदर बैठे हैं, तो कम से कम उनको कोई सुनना चाहिए। जहां तक कोरोना वायरस का सवाल है, धीरे धीरे जब दिल्ली सरकार तमाम चीजें खोल रही है तो निश्चित रूप से अदालतों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रभोसी, लीगल रिपोर्टर, दिल्ली। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।